वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 वीरोंस फार्मूला क्लास 9 मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 बहुत अच्छे समझ में आ सके। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहले आप इसका सॉल्यूशन खुद से ट्राई करें, अगर कहीं पे आपको कोई डाउट आता है तभी आप इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 206 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, मैं एक बार रीड करूं, आप फटाफट से रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक नोटबुक और पेन लेके, ठीक है ना? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है अ पाथ इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज एंगल सी 90 डिग्री है, ए बी जो है वो 9 मीटर है, बीसी 12 मीटर है, सीडी 5 मीटर है एंड एडी 8 मीटर है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो आपने बताना है कि कोई पार्क है जो कि किस शेप का बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल की शेप का है, तो कितना एरिया घेरता है यानी कि ऑक्यूपाई करता है, आपने ये बताना है और उसकी सारी डायमेंशन आपको गिवन है। तो देखो मैंने ऑलरेडी फिगर बना रखी है, फिगर एक्चुअली गिवन तो नहीं थी बट टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से बना रखी है। तो आपको ये सारी साइडें गिवन थी जिसमें एंगल सी आपके लिए बोला था 90 डिग्री का, तो ये आपका एंगल सी 90 डिग्री का हो गया। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसका एरिया आपने निकालना है ना। तो मैंने आपको इंट्रो में ये समझाया था कि अगर आपने किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, लेट्स से ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी और आपसे इसका एरिया मांगा गया है, तो आपने क्या करना है, सिंपली एक डायगोनल बना देना है। अब ये क्वाड्रिलेटरल आपको दो ट्राइंगल में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हेरोंस फार्मूला, और दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको मिल जाएगा, है ना? तो यहां पे भी हमने कुछ ऐसा ही काम करना है, ठीक है? तो देखिए कैसे, अब बात यह आती है कि कैसे, तो कैसे चलो देखते हैं कैसे। एक काम करते हैं यार, एक बात बताओ, ये वाला 90 डिग्री है ना, अगर मैं इसकी ये वाली साइड को ज्वाइन कर दूं ये वाला डायगोनल, तो इससे बेनिफिट पता है क्या मिलेगा? देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मेरे को दो साइड गिवन हो तो तीसरी मैं साइड पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकता हूं, आप जानते हैं ये बात। अच्छा, तीसरी साइड मिलते ही मेरे को देखो इस ट्राइंगल की तीनों साइडें मिल जाएगी, मैं हेरोंस फार्मूला लगा दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं हाफ इंटीग्रेशन टू हाइट भी लगा सकता हूँ, तो दोनों ट्राइंगल के एरिए मैं कैलकुलेट कर लूंगा इजीली, तो भैया एबीसीडी जो पार्क है उसका एरिया भी मिल जाएगा, है ना? तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसकी बीडी निकाल लेते हैं ना। तो देखेंगे बच्चों इन राइट ट्राइंगल, भाई नाम क्या है, डीसीबी या बीसीडी, कुछ भी पढ़ लो, बीसीडी। ओके, तो बीसीडी में हम काम करने जा रहे हैं। देखिए भाई क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम सेज बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ओके, तो बीडी तो हमें कैलकुलेट करनी है, सीडी कितनी बेटा चेक करो, सीडी सीडी है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस बीसी 12, 12 स्क्वायर, तो भैया 5 का 25 और 12 का 144, भैया आपको थोड़े बहुत स्क्वायर याद होने चाहिए, और दोनों को ऐड करते हैं तो आपको मिलने वाला है BD is equal to what, देखो दोनों को ऐड करके आ गया 169, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे अंडर रूट लगा देंगे, है ना? अच्छा, अब 169 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो आपकी BD आ गई 13। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, है ना? तो भैया देखो इतनी कैलकुलेशन तो 9th क्लास के बच्चे को आनी चाहिए, है ना? चलिए ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं करा के दिखाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लिया करो यार ज्यादा। तो देखो सबसे पहले मैं इसका एरिया निकाल देता हूं, तो रिक्वायर्ड एरिया, चलो रिक्वायर्ड एरिया बाद में निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी, डीसीबी, अच्छा डीसीबी जो कि राइट ट्राइंगल है ना, यहां पर आप चाहो तो लिखो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल डीसीबी, है ना? तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? ओके, तो हाफ इंटू बेस, बेस की बात करूं बेटा तो 12 है, चेक कर लो, और हाइट इसकी 5 है, तो 2 से 6 बारी में 6 पंजे 30, यानी कि 30 मीटर स्क्वायर, भाई इसका एरिया आ चुका है आपके पास, है ना? अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा, है ना? तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, भाई इस ट्राइंगल का नाम तो लिखेंगे ना एबीडी,
ए बी डी इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय टू है तो 9 प्लस 13 प्लस 8 बाय टू चेक कर लो 17 और 3 20 30 यानी 15 भाई चेक करो 15 ही आ रहा है ना 15 मीटर एक बार चेक कर लेते हैं देखिए ये कितना हो गया 9 और 10 11 12 12 और 10 22 22 और 8 30 30 का आधा करेंगे तो 15 बिल्कुल ठीक है तो 15 मीटर तो बेटा ये क्या होता है ये एस कहलाता है इसको एस कहते हैं ना सेमी पेरिमीटर अच्छा अब इसका एरिया निकाल लें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अब इसका एरिया तो बेटा हीरोन्स फॉर्मूले से ही निकलेगा तो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओके अब बेटा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना रह गया है तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में तो बेटा एस कितना है 15 चेक कर लो 15 माइनस ए ए ये ले लेते हैं बी ये लेते हैं सी ले लेते हैं तो ए की वैल्यू 9 15 माइनस बी की वैल्यू 13 और 15 माइनस सी की वैल्यू 8 है ना भाई 9 13 8 इधर 9 13 8 ओके तो मेरे बच्चों 15 तो एज इट इज 15 में से 9 गया तो 6 बचता है ना और 15 में से 13 गया तो 2 बचता है और 15 में से 8 गया तो 7 बचता है ओके तो भैया जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आएगा तो चलो तोड़ देते हैं इनको तो इनको तोड़ते हैं ये टूटेगा बेटा 15 5 इंटू 3 में चेक कर लो भाई 5 इंटू 3 में और ये टूटेगा 3 इंटू 2 में और ये 2 ऐसे ही रहेगा और ये 7 भी एज इट इज ही रहेगा तो भैया 3 बाहर आ गया 1 2 भी बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया 5 और यहां से 7 यानी 35 ही होता है ओके तो इसको यहीं पर लिख देते हैं ये देखो 3 2 6 हो गया और ये रूट 35 अच्छा रूट 36 होता तो वो किसका स्क्वायर रूट होता 6 का होता 35 जाहिर सी बात है 5.9 समथिंग का होगा मानते हो ये बात 5.9 समथिंग का होगा तो मैं क्योंकि इसका जो आंसर लिखने वाला हूं वो अप्रोक्सी आने वाला है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 5.9 भाई 5.9 मान ले इसका जो स्क्वायर रूट आने वाला है 5.9 समथिंग आएगा तो देखो भैया कितना हो गया दोनों मल्टीप्लाई करके 6 9 54 देखो ना 5.9 इंटू 6 तो 6 9 54 54 का 4 कैरी हुआ 5 और 6 5 30 30 और 5 35 तो बेटा 35.4 आ रहा है मीटर स्क्वायर इतना एरिया आ गया तो अब आपने जो कैलकुलेट करना था वो भी देख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया आपसे मांगा गया था इसका है ना तो रिक्वायर्ड एरिया दोनों का टोटल मिला के था है ना तो बेटा हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई है ना तो रिक्वायर्ड एरिया निकाल देते हैं आप देखिए बच्चों रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो डीसीबी भाई चेक कर लो डीसीबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा एबीडी है ना दोनों को मिला के तो आएगा तो मेरे बच्चों इसका कितना था 30 मीटर स्क्वायर इसका कितना है 35.4 मीटर स्क्वायर तो दोनों को ऐड करके कितना आ गया 65.4 मीटर स्क्वायर तो दिस इज फाइनल आंसर और उम्मीद करता हूं देखो बच्चों इतना टफ क्वेश्चन नहीं था कि आपको समझ में ना आए आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए और आप फटाफट से बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कीजिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेम पेज 206 एनसीईआरटी है तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने तो देखिए कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इस बार भी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को ही है उसका एरिया कैलकुलेट करना है इन विच एबी जो है वो 3 सेंटीमीटर है जिसमें आपको एबी आपको दे दिया है 3 सेंटीमीटर उसके बाद आपसे बोला है बीसी 4 सेंटीमीटर है सीडी 4 सेंटीमीटर है डीए 5 है और एसीबी 5 है तो ये आपको डायमेंशन दे रखी है एक काम करते हैं सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं है ना फिगर बनेगी तो फिर कुछ समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है तो देखो इसमें आपसे बोला है एबी 3 सेंटीमीटर है तो लेट से ये एबी ले ली मैंने जो कि 3 सेंटीमीटर है ठीक है एबी के बाद आपसे बोला था बीसी 4 है अब बीसी लेट सपोज कि यहां पे कोई बीसी है जो कि 4 है थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं ये सी पॉइंट हो गया 4 सेंटीमीटर ऐसे तो इसके बाद इसने बोला बीसी 4 सेंटीमीटर है सीडी 4 सेंटीमीटर है सीडी अब सीडी कोई साइड होगी जो कि 4 सेंटीमीटर आपको फिर से दे रखी है तो लेट्स से सीडी ये रही 4 सेंटीमीटर सेम ओके आफ्टर दैट सीडी 4 बोलने के बाद डीए 5 बोल गई बेटा तो डीए कुछ ये वाली साइड हो गई 5 ओके और एसी भी 5 है एसी बेटा ये वाली साइड है आपकी ये भी आपको दे दी 5 सेंटीमीटर ओके दैट्स इट तो अब आपसे बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ना
तो आपने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कैलकुलेट करना है। भैया क्या निकालना बेटा आपने, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये आपसे मांगा गया, दैट्स इट। तो बेटा एक बात तो सिंपल है भाई, दोनों साइडों को मैं प्लस कर दूं तो मेरा काम मिल जाएगा, है ना। लेकिन एक बात, अगर मेरे को ये पता चल जाए कि राइट ट्रायंगल है तो मेरा काम इजी हो जाएगा। भाई मेरा हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा सा नो डाउट टफ होता है ना, तो हीरोन्स फॉर्मूला बड़ा होता है, तो अगर मेरे को ये पता चल जाए राइट ट्रायंगल है तो मेरा काम मिल जाएगा, है ना। तो देखिए सिंस, यहीं पे नीचे करते हैं इस काम को, सिंस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अगर किसी तरीके से ये वाली बात श्योर हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल राइट ट्राइंगल है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखो ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा, एज ए सी है 5 स्क्वायर, बी सी कितना है, बी सी 4 स्क्वायर और ए बी 3 स्क्वायर, और चेक कर लो ये तो भैया इक्वल आ गए, चेक कर लो भाई, देखो ना दैट इज 25 = 16 + 9, तो यानी कि 25 = 25 नहीं आ गया। और ऐसा कब हो सकता है बेटा, ऐसा जब ही हो सकता है जब ये एंगल 90 डिग्री का हो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जब ही तो अप्लाई हुई ना, तो इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से व्हाट वी कैन से, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपने हीरोन्स फार्मूला लगाना है तो आप चाहो तो इस चीज से बच सकते हो, आप डायरेक्ट हीरोन्स फार्मूला भी लगा सकते हो, है ना। तो वो आपकी मर्जी है बेटा कि आप किस तरीके से करते हो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब ये राइट ट्राइंगल है हमें पता चल गया है, तो मैं इसका एरिया निकाल देता हूँ इजीली। भाई अब तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना दें, जी बिल्कुल। तो देखिए एरिया ऑफ ऑफ राइट ट्राइंगल नाम क्या है, एबीसी इक्वल टू फॉर्मूला 1/2 × बेस × हाइट। तो देखो 1/2 × बेस, बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 4, तो भैया 2 × 2 = 3 × 6 आ गया, चेक कर लो 6 cm². मेरे को नहीं लगता कि आपको इस चीज में कोई भी डाउट होना चाहिए, है ना। तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा इसके बाद आप देख भी रहे हो क्वेश्चन डिट्टो सेम है, डिट्टो है ना, चलिए कोई बात नहीं, सेम हो या ना हो हमने तो करना है, तो करना ही है तो फिर करते हैं। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए सेमी पैरामीटर चाहिए होगा, तो सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल नाम क्या है, एसीडी, एसीडी इज इक्वल टू a + b + c/2, यही करते हैं। तो ए बी सी ए मान लेते हैं भाई, ए बी सी बाय टू, तो 5 × 5 = 10 × 14 × 14 को 2 से करूंगा तो 7 आएगा, चेक कर लो 7 cm। हाँ हाँ भाई बिल्कुल 7 आएगा। तो अब इसका एरिया निकाल लें, अरे निकालना तो पड़ेगा, तो एरिया निकालते हैं। तो बच्चों नाव या फिर नाव क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल नाम क्या है इसका, एसीडी, एसीडी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ s − a s − b s − c, चेक कर लो फॉर्मूला तो यही होता है बच्चों। अब s क्या है, s तो 7 है, सेमी पैरामीटर, तो 7 − a 5 है, चेक कर लो भाई 5 ही तो है, 7 − b की वैल्यू भी 5 है, चेक कर लो, और 7 − c की वैल्यू 4 है, ओके। तो अब इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है देखेंगे जरा, 7 तो ऐसे ही रहा भाई, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 7 में से 5 गया फिर से 2 बचेगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, तो एक यही पेयर बन रहा है, इसको यहीं पर लिखते हैं। तो ये तो आ गया बाहर 2 और अंदर आ गया 21, चेक कर लो भाई 21 ही आएगा। अब एक समस्या अटक गई, समस्या क्या अटक गई कि 21 का पेयर नहीं बन रहा और वो बाहर भी नहीं आ पाएगा, तो 21 को फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइड में कर रहा हूं मैं,
4.58 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 4.58 को मैं 4.58 था, 4.58 को 4.6 भी तो लिख सकता हूँ, है ना, अप्रोक्स आंसर निकालना है क्योंकि जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया मल्टीप्लाई करके कितना आगे चेक करेंगे, 6 × 12 का 2 कैरी हुआ 1, 4 × 8 और 1 9, 9.2 भाई यही आएगा, इतना ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल इजी था, है ना, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया था, इतना अप्रोक्स आंसर आ रहा है। ओके, अब आपका रिक्वायर्ड एरिया, तो भाई रिक्वायर्ड एरिया की बात कर लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया बेसिकली आपसे क्या बोला था, आई थिंक सो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मांगा था, है ना। हाँ जी, तो रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो बेसिकली अगर मैं एबीसीडी की बात करूं तो दोनों ट्राइंगलों को प्लस करके आ जाएगा, तो बच्चों मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो बेटा एबीसी का कितना था, 6 और इसका है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 × 6 = 15 भाई चेक कर लो, 15.2 आएगा नहीं आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ओके, तो उम्मीद करता हूं बच्चों के बिल्कुल सेम क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पेज 206 एनसीईआरटी है, तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं बच्चों, मैं इसमें हिंट दूंगा आपको क्योंकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहता है क्वेश्चन कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर्स एज शोन इन द फिगर। देखो इसकी फिगर ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने आपको बोर्ड पे बना रखी है। तो कहता है कि राधा जो है एक पिक्चर बनाती है एरोप्लेन की, किससे बेटा, कलर्ड पेपर से, और आगे कहता है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो जो भी इसमें पेपर यूज्ड हुआ है उसका आपने टोटल एरिया निकालना है, और आगे क्वेश्चन में लिखा है, नहीं बस इतना ही क्वेश्चन है। हाँ जी, तो अच्छा इसकी डायमेंशन आपको गिवन थी बेटा 5 सेंटीमीटर, ये वाली डायमेंशन थी, ओके, ये वाली 6 सेंटीमीटर थी बेटा, और ये 1.5, और ये था आपका 6.5 फीट टोटल यहां से आता है ना, तो 6.5 सेंटीमीटर, दैट्स इट, ओके, और 1 सेंटीमीटर ये वाली डायमेंशन है, ओके, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है भाई, ये डायमेंशन आपको गिवन है। तो देखिए इस फिगर को इन्होंने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट है नीचे, और ये चौथा पार्ट हो गया बेटा, ये 5वां पार्ट हो गया आपका। ओके, तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए सिंपली हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे, इस चीज को समझते हैं, हम क्या करेंगे इंडिविजुअली इन 5 पार्ट के एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और फाइनली टोटल एरिया निकालने के लिए या जो टोटल पेपर यूज हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए 5ों का एरिया एड कर दिया जाएगा, दैट्स इट, है ना। तो देखिए करते कैसे हैं, अब बात याद आती है करते कैसे हैं, यार एक बात बताओ, अगर ये वाली डायमेंशन इसकी 1 है तो क्या ये 1 नहीं होगी, जी बिल्कुल ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये 5 है तो ये भी 5 है बेटा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। तो देखो इस वाले ट्राइंगल का अगर मैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट देखो, तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, हीरोन फॉर्मुला यूज करना है। तो क्योंकि मैं आपको हिंट दे रहा हूं तो मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूं आपके लिए, तो बेटा हिंट में एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कैसे बेटा, यूजिंग हीरोन फॉर्मुला, है ना। तो आप एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, यूजिंग हीरोन फॉर्मुला, सिंपल है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड पार्ट की, देखो ध्यान दे रहा हूं सेकंड पार्ट के लिए हिंट, तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट है ना, तो बच्चे एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, तो यार इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कौन सी शेप है बेटा, इट इज अ ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगुलर शेप है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, चेक कर लो, तो भैया ट्राइंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, यार गलत बोल दिया मेरे मुंह से, गलत निकल गया, रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मेरे बच्चों यहां पे हम रेक्टेंगल का एरिया लगा देंगे, दैट इज बेस लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, तो यहां पे लेंथ कितनी है बेटा 1 और ब्रेथ कितनी है 1.6.5, तो बेटा यहां पे हम सिंपली 6.5 इनटू
वन कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना भाई? क्लियर है? यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ईजी था। अच्छा, इसके बाद इसके अपार्ट इन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम आएगा भाई, चेक कर लो दोनों का एरिया सेम आएगा नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा। तो इन दोनों का एरिया भी निकाल देते हैं, मतलब अगर मैं एक का एरिया निकालूं तो दोनों का आ जाएगा, या फिर दोनों का लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, भाई दोनों का सेम ही आने वाला है ना। तो आप देखो कैसे आएगा, सिंपली अगर आप ध्यान से देखें तो बेस इनटू हाइट नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं लगा सकते हम इसमें, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस, बेस कितना बेटा चेक कर लो 1.5 है, 1.5, और इसकी हाइट कितनी है बेटा 6, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका इसका और इसका एरिया रहेगा, यानी कि जितना फोर्थ पार्ट का होगा उतना ही फिफ्थ पार्ट का होगा। क्लियर है? यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब रह गया आपका थर्ड पार्ट। देखो, अब थर्ड पार्ट का एरिया इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर मैं थर्ड पार्ट की शेप को देखूं ध्यान से तो इट इज अ ट्रेपेजियम, है ना, और ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब प्रॉब्लम यहां पे आएगी हमें कि हमारे पास यहां पे हाइट गिवन नहीं है, अगर हाइट गिवन नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो एक बात समझ में आनी चाहिए आपको यहां पे कि विदाउट हाइट आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। तो बच्चों अब हम लगाएं कैसे? तो बेटा इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, वो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। इसका जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं उसको हम ज्वाइन करा देते हैं इसको इस तरीके से। तो आप यहां पे ध्यान देंगे बेटा, देखो ध्यान देंगे, ये पूरा 2 था तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है चेक कर लो। अब देखिए ये 1 है ये भी 1 है, देखो चीजों को समझो भाई, ये 1 है ये 1 है ये भी 1 ही होगा, ठीक है सिमिलरली ये 1 है ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। तो कुल मिला के आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहां पे बेटा तीन इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुके हैं, है ना। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो भैया अब तो बहुत ही इजी हो चुका है कि एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल टू कैसे निकालेंगे भाई, एक का एरिया निकाल के 3 से इनटू कर देंगे तो 3 इनटू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। तो बेटा 3 इनटू इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, साइड तो चेक कर लो 1 है तो साइड स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको थर्ड पार्ट का एरिया भी मिल जाएगा, है ना। तो थर्ड पार्ट का एरिया भी मिल गया। अब आपने इसके आगे क्या करना है, जब आपके पास सारे पार्ट्स का एरिया आ चुका है तो आपने रिक्वायर्ड एरिया निकाल देना है। तो बच्चे रिक्वायर्ड एरिया आप कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। तो भाई सभी के एरिया प्लस कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखो ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी के एरिया कैलकुलेट करके दिखा दिए हैं। देखो ये तो आंसर 6.5 ही आने वाला है, आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 3 बारी में कट जाएगा, 4.5 इसका एरिया आएगा, इसका और इसका 4.5 है। इसका एरिया भी आपको ऑलमोस्ट कैलकुलेट हो चुके मिल चुका है, 3 √3/4, √3 की वैल्यू आप जानते हैं 1.732 होती है, वैल्यू पुट करो और इसका एरिया भी मिल गया। बस जो एरिया रहता है वो है फर्स्ट पार्ट का एरिया जो आपने हीरोन फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है। तो बच्चों थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, नहीं तो मैं आपको इसको प्रॉपरली करा देता। तो बच्चों आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली कर लेंगे। तो बच्चों फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेम पेज 206 एनसीईआरटी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। कहता है कि अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। देखो एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिनका सेम बेस और सेम एरिया है। यार अज्यूम कर लेते हैं, देखो एक फिगर को अज्यूम कर लेते हैं जिससे कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो लेट सपोज कि ये एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम है। तो बच्चों इस पे एक ट्राइंगल और है इसी बेस पे, तो ये एक ट्राइंगल मान लेते हैं। तो बेटा आपसे बोला गया है कि दोनों का एरिया जो है वो सेम है ना, और दोनों एक ही बेस पे बने हैं। अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में उसको देखते हैं। Have the same base and the same area if the side of the triangle are 26, 28, 30. भाई देखो एक साइड इसकी 26 है, let's suppose यानी 26 सेंटीमीटर है, और 28 ये वाली मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर है, और ये वाली 30 सेंटीमीटर है, let's suppose. Okay. कहता है कि and the parallelogram stand on the base 28, और जो parallelogram का base है वो 28 है, इसीलिए मैंने इसको 28 लिया है।
ओके आगे कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बेटा ये आपकी हाइट होगी बेटा पैरेललोग्राम की, तो ये आपने कैलकुलेट करनी है। अब ठीक है जितनी भी है मैंने मान लिया कि h है ना, कह देते हैं कि h है, तो मेरे को ये निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। फिगर बनाने का मेरा पर्पस यही था कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, तो वी नो दैट सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, भाई ये बात हमें गिवन है ना, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समस्या क्या आएगी कि पैरेललोग्राम का एरिया मैं जानता हूं कि बेस इनटू हाइट होता है, भाई इसका तो हम जानते हैं कि बेस इनटू हाइट होता है, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, जाहिर सी बात है हीरोन फार्मूला ही लगेगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है ना, चेक करो। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी बेटा, एस एस नहीं है आपके पास, तो क्यों ना सबसे पहले एस को कैलकुलेट कर लिया जाए। तो चलिए एस को कैलकुलेट करके आते हैं। तो बेटा एस क्या है चेक कर लो, सेमी पेरीमीटर है ना, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है ना, ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर तो क्या होगा बेटा, 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2, अभी चेक कर लो यही होगा ना। ओके अब सबको प्लस करके कितना आ रहा है देखेंगे, भाई देखो 8 6 14 14 का 4 कैरी हुआ 1 दो दो चार चार तीन सात सात और एक आठ 84 बाई 2 तो 42 आ गया भाई, 42 सेंटीमीटर आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 42 है ना, बाकी आपका हिसाब तो आप जानते होंगे बखूबी। तो देखिए तो मेरे बच्चों S जो कि 42 है, 42 माइनस A 26, 42 माइनस B 28 और 42 माइनस C 30। अब देखिए आगे बेस कितना था बेटा इसका, बेस 28 है चेक कर लो, और इसकी हाइट मैंने h मानी थी है ना, मैंने लेट की थी h। ओके यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो 28 into h as it is, इसको देखते हैं भाई, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई अगर मैं करूं तो 42 तो as it is रहने वाला है, इसको इसमें से सबट्रैक्ट करके कितना आता है, देखो 12 में से 6 गया 6 बचा और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 16 बचेगा भाई चेक कर लो, 16 बचा है मेरे हिसाब से, 12 में से 6 गया 6 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, हां बिल्कुल 16 बचा है। यहां पे कितना बचा, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 1 बचा 14, और यहां पे बच रहा है 12, चेक कर लो भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यही बचा है। ओके अब देखते हैं आगे भाई, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो 42 को हम लिख सकते हैं 7 × 6 और 6 फर्दर किसी में आएगा इसमें आ जाएगा, तो लिख देते हैं 7 × 6 है ना, 7 × 6 = 42 और 16 को 4 × 4 और 14 को 7 × 2 और 12 को 2 × 6, चेक कर लो सारे बाहर आ गए भाई रूट से, मुबारक हो भाई, 28 × h एज इट इज, तो h इज इक्वल टू व्हाट, देखो 7 का पेयर बन गया तो 7 आ गया बाहर, 6 का भी पेयर बन गया 6 भी आ गया बाहर, 4 का पेयर बन गया 4 भी आ गया बाहर, 2 का पेयर बन गया 2 भी आ गया बाहर, सारे बाहर आ गए मुबारक हो। 28 इधर आ जाएगा भाई, 28 अपॉन में आ जाएगा भाई, इनटू से डिवाइड में आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 7 × 4 = 28, 4 × 4 = 6 × 2 = 12, तो h की वैल्यू 12 सेंटीमीटर मेरे को तो नजर आ रही है, और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको भी यही नजर आ रही होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता है ना। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 207 एनसीईआरटी है, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अ रोम्बस शेप्ड फील्ड, बेटा एक फील्ड जो है वो किस शेप की है, रोम्बस की शेप की है, फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस, तो उसके ऊपर जो है हरी हरी घासें हैं जो कि 18 गायें के लिए है ना, उसमें 18 गायें मतलब खा सकती हैं, क्योंकि यही लिखा है 18 काउस टू ग्रेस है ना। ओके कहता है कि इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, रोम्बस की हर एक साइड आपको दे रखे 30 मीटर की, आगे कहता है एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, और उसका लॉन्गर डायगोनल है 48 मीटर का। ओके तो कहता है हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, तो एक गाय कितना एरिया में ग्रेजिंग यानी कि घास खाएगी आपने वो बताना है, बहुत सिंपल है यार। देखो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है 18 गाय के लिए है ना, मान लेते हैं कि 18 काउस के लिए जो है एक्स एरिया है, तो 1 काउ के लिए कितना होगा बेटा, एक्स बाय 18 ही तो करेंगे सिंपल, यानी कि मेरे को अगर इस पूरे एरिया पता चल जाए तो उसको मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को एक गाय के लिए जो एरिया है वो पता चल जाएगा है ना, सिंपली। तो आपने करना तो यही है, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए है ना।
अब देखते हैं कि करना कैसे है, ये तो करना है लेकिन करना कैसे है। तो सबसे पहले फिगर बना ले भाई। अजी बिल्कुल फिगर तो बनानी पड़ेगी, बिना फिगर के कैसे काम चलेगा भाई। तो मेरे भाई फिगर बना लेते हैं। फिगर सही जा रही है, लग तो रही है। आई थिंक सो के सही होगी। तो इसमें से एक डायगनल आपको दे रखा था 48, ये लॉन्गर डायगनल लग रहा है देखने में, तो इसको 48 मान लेता हूं। हां जी 48 मीटर। ओके तो इसकी जो हर एक साइड थी 30 मीटर की थी, है ना? ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपने जो निकालना है वो एक गाय के लिए निकालना है। तो ग्रास एरिया फॉर वन काउ, है ना? तो ग्रास एरिया फॉर वन काउ निकालना है आपने। ओके चलो लिख देते हैं। आपने जो निकालना है वो है ग्रास एरिया फॉर वन काउ, ये कैलकुलेट करना है। ओके अब एक बात आओ, देखो मेरे को इसका ये दूसरा डायग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे पास एक रोम्बस का फॉर्मूला होता है जो आप जानते हैं, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, है ना? तो अगर मेरे को इसका दूसरा डायगनल मिल जाता है कैसे भी करके तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एक काम करते हैं, इनको नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले। तो ए बी सी डी और इसको ओ मान लेते हैं फिलहाल। ओके अब एक बात आओ, देखो ध्यान सुनना मेरी बात को। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिंस वी नो दैट द डायगनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट 90 डिग्री, तो ये बात हम बखूबी जानते हैं कि जो रोम्बस होता है उसके डायगनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चे अगर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एंगल 90 डिग्री का रहा होगा, और अगर ये वाला जो डायगनल था वो पूरा 48 है तो इतना 24 मीटर, और यहां पे भी 24 मीटर रहा होगा भाई। 48 का आधा 24 होता है ना। ओके तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कैसे भी करके ये वाली साइड मिल जाए, चेक करो, देखो अगर कैसे भी करके आपको ओ भी मिल जाए तो आपको पूरा डायगनल मिल जाएगा, तो आप एरिया इजीली निकाल सकते हैं। अब ओबी कैसे निकालूं यार, देखो ना ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें ऑलरेडी आपके पास है, तो तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे ना। तो देखिए देखिए, तो इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एओबी, एओबी कॉमा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB square is equal to base, यानी कि BO square plus perpendicular AO square, चेक कर लो। तो AB कितना बेटा 30, और BO कितना है, BO तो कैलकुलेट करना है, BO या OB बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और AO आपको 24 गिवन है। तो बेटा 30 का स्क्वायर होता है 900 और 24 का स्क्वायर होता है 576, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा भाई, चेक कर लो, 576 माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू OB square। तो इट इंप्लाइज OB इज इक्वल टू व्हाट, चेक करते हैं। देखो ना 10 में से 6 गया तो 4 है ना, और 9 में से 7 गया तो 2, और रह गया यहां पे 8, 8 में से 5 गया तो 3, और क्योंकि OB पे स्क्वायर था तो स्क्वायर टेगा तो ये रूट में रहेगा, तो OB इक्वल टू व्हाट 18 भाई, 18 का स्क्वायर होता है 324, इसीलिए कहता हूं स्क्वायर को याद कर लो। हां जी तो OB आ गया, अगर OB आ गया तो BD भी आ गया भैया, BD भी आ गया। देखो ध्यान से देखिए यार, आपको दिखता कम है। तो देखो BD इक्वल टू BD, OB का दुगना होगा, नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ OB, जी बिल्कुल होगा, तो ट्वाइस ऑफ OB यानी कि 18 मीटर, तो 18 दूनी 36, भाई 36 ही होता है आजकल मेरे ख्याल से, 36 ही होता है, तो आपका BD भी आ गया। अच्छा अब यहां तक तो आ गया, अब मेरे लिए एरिया ऑफ रोम्बस निकालना ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, है ना? तो चलो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला तो एक ही होता है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू, तो हाफ इंटू डायगनल वन कितना है 48 है, चेक कर लो, और डायगनल टू कितना है 36 है, दो से कैंसिल करके 24 आ गया। तो भैया मेरे बच्चों 24 इंटू 36 मीटर, मीटर में ना, हाँ जी मीटर स्क्वायर, तो इतना एरिया आ गया इसका टोटल। लेकिन ये एरिया कितने कितनी काउस के लिए है भाई, ये एरिया है 18 काउस थी ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ जी 18 काउस, तो ग्रास एरिया फॉर 18 काउस निकाल दिया आपने, है ना? तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये क्या है बेटा, ग्रास एरिया फॉर 18 काउस इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इंटू दिस, यानी कि 24 इंटू 36 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपने कितनी काउ के लिए निकालना है बेटा, वन काउ के लिए,
भाई चेक कर लो ग्रास एरिया फॉर वन का और निकालना ना आपने। तो भैया ग्रास एरिया फॉर वन का इक्वल टू 24 × 36/18 भैया एक गाय के लिए निकालेंगे तो अपॉन 18 करेंगे नहीं करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर। ओके चलिए 12 6 का टेबल तो आता होगा ना, 6 से 3 बारी में और 6 से 6 बारी में, चेक कर लो 3 से 8 बारी में 24 होता है और 8 × 6 = 48 भाई दोनों को इनटू करके 48 आएगा, 8 × 6 = 48 मीटर स्क्वायर। तो बच्चे एक गाय इतने एरिए में चल सकती है, कितने एरिए में 48 मीटर स्क्वायर एरिए में एक गाय जो है अपनी घास को खा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हाँ जी, तो आई होप ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हमने ऑलरेडी 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बचे हुए 4 क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर आप थोड़े से हॉशपॉश हो जाओगे। तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, आप बचे हुए 4 क्वेश्चन जो है वो दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।